नमस्कार, आज हम संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको शॉर्ट में वेस्पर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इस सिद्धांत को गिलेस्पी एंड नाहियोम ने दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षक स्थान में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम हो। पाउली ने जो इलेक्ट्रॉन के संबंध में अपना अपवर्जन सिद्धांत दिया था, उसके पीछे भी भावना यही थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित रहें कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रतिकर्षण में तब तक रह सकते हैं जब उनका चक्रण विस्पिन यानी स्पिन विपरीत हो, और इसी सिद्धांत पर ये वेस्पर थ्योरी आधारित है। वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है, और किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री को निर्धारित करने के लिए हम निम्न बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केंद्रीय परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन को देखना है हमें। किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का है ये डिसाइड करती है, इससे डिसाइड होता है कि उसका आकार, उसकी ज्योमेट्री उस कैसी होगी। जैसे कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि अगर sp संकरण होगा तो लीनियर ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। यदि sp2 संकरण है तो उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसी तरह से यदि sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। sp3d संकरण में त्रिभुजीय द्वि पिरामिड आकृति होती है और 120 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और अगर sp3d2 संकरण है तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा और ऑक्टाहेड्रल आकृति होगी। संकरित कक्षक से हमेशा सिग्मा बंद परिमाण होता है और पाई बंद हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं, और पाई बंद के से ज्योमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सिग्मा बंद से ही उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। सेकंड पॉइंट आता है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसकी सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उससे उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के पश्चात उसमें ऐग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अन्य परमाणुओं के ऐसे ही परमाणु कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि यदि sp3 संकरण के तीन एग्जाम्पल लिए, मैथेन, CH4, अमोनिया NH3 और H2O, तीनों ही sp3 संकरण के एग्जाम्पल हैं, परंतु CH4 में चार संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, अमोनिया में पांच संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं और H2O में ऑक्सीजन के पास में छः संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या CH4 में चार है, अमोनिया में तीन है और H2O में दो है। लोन पेयर CH4 में जीरो है और अमोनिया में एक है और H2O में टू है। तो इस आधार पर अणु की आकृति CH4 जो कि उसमें लोन पेयर जीरो है, इसलिए उसकी ज्योमेट्री sp3 संकरण के हिसाब से चतुष्फलकीय होगी, जबकि अमोनिया में एक लोन पेयर है इसलिए उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होगी यानी डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी, और H2O में दो लोन पेयर हैं इसलिए और ज़्यादा डिस्टोर्शन होगा और एंगुलर ज्योमेट्री होगी उसकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रीय परमाणु पर विद्यमान अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, यानी कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास में कितने लोन पेयर है उससे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होगी, यानी जितने अधिक लोन पेयर होंगे उसका डिस्टोर्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो एक न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल एटम के न्यूक्लियाई से आकर्षित होते हैं इसलिए वो फैले हुए रहते हैं, जबकि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो दो न्यूक्लियाई के द्वारा आकर्षित रहते हैं इसलिए वो ऑर्बिटल ज़्यादा फैल नहीं पाते, इसलिए लोन पेयर के कारण जो है डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है।
इसलिए कहा गया है कि लोन पेयर डिस्टोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिस्टोर्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर डिस्टोर्शन सबसे कम होता है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में लोन पेयर ज़्यादा है उनकी ज्योमेट्री उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगी, और जिसमें लोन पेयर की संख्या कम होती जाती है डिस्टोर्शन कम होता जाता है। धन्यवाद।